मैं बोल रहा हूं वर्ल्ड क्लास सुविधा दिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवेज, वाटरवेज, लेकिन सर भ्रष्टाचार नहीं किया सर। इतना सारा कुछ काम दे दिया जिसका मैंने जिक्र किया, देश की जनता गरीब लोगों के लिए, पर भ्रष्टाचार नहीं किया, तुष्टिकरण नहीं किया, भाई भतीजावाद नहीं किया। अरे मोदी का कोई है तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग है, मोदी अपने लिए क्या करेगा? मोदी तो फकीर है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा मोदी। मोदी को ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही नहीं, अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है, इस तकदीर को तुम लोग क्या कर सकोगे यार? तुम लोग क्या कर सकोगे? मोदी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चल रहा है। हाँ, ये और बात है कि 9 वर्षों के दरमियान मोदी ने गरीबों के लिए जो काम किया सर, पिछड़ों के लिए, सुस्तों के लिए, दलितों के लिए, हाँ ये बात सही है कि गाली सुनता रहा, लोगों ने नीच कहा, लोगों ने नीच कहा, फिर भी सुनता रहा, मौत का सौदागर कहा, फिर भी सुनता रहा, मगर देश के उन गरीब बच्चों के लिए, गरीब देश के उस किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के, पीड़ितों के लिए लड़ता रहा, करता रहा, और जब तक रहेगा, लड़ता रहेगा, करता रहेगा, जितना भी गाली देना है दे दो, मगर हम कभी पीछे गरीबों के आंख के आंसू को जब तक पोंछ नहीं देते, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ा देते, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। मोदी ने ये कहा, गाली देना है दे दो, दर्द है, दर्द है, इन लोगों की पीड़ा मैं जान सकता हूं सर। मैं पिछड़ा समाज का बेटा हूं, पिछड़ा समाज का बेटा हूं सर, किसान, छोटे किसान का बेटा हूं सर, मैं जान सकता हूं सर, मैं जान सकता हूं क्यों दर्द है इन नए घमंडियों को, क्यों दर्द है। मोदी ने इनके भ्रष्टाचार को बंद किया है। आप महोदय, अगर अरे बैठ जाइए, अपनी बात का बेटा भाई तो होता हिंदुस्तान की आजादी के बाद मोदी को भारत की जनता ने चुना, गरीब के बेटा को जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी, पिताजी चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पर, उसका बेटा अगर हिंदुस्तान के जनता का तकदीर बदलता है, तस्वीर बदलता है, उसके आंस को आंखों पोसता है, तो इन लोगों को दर्द है। दर्द इसलिए भी है खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, मोदी पिछड़ा का बेटा, अगर मोदी गरीबों को अनाज देता है वो और बात है कि बिहार के लोग खा जाते हैं। हम देते हैं 5 किलो, ये देते हैं 4 किलो। यही नहीं, बिना आइडिया के इंडिया वालों आपको चीन और पाकिस्तान और विदेशी गैंग ने पीएम बनाने की गारंटी दी है। मुझे नहीं कुछ कहना, तो मोदी को 140 करोड़ भारतीय पीएम बनाने की गारंटी दी है। ये राष्ट्र धर्म युद्ध है, भारत यानी इंडिया, और जीतेगा इंडिया, हारेगा घमंडिया, हारेगा घमंडिया। महोदय अध्यक्ष जी, विपक्ष के चरित्र खून में राजनीति, खून में राजनीति है। क्या हो रहा है बंगाल में, क्या हो रहा है बंगाल में? मणिपुर की चर्चा कर रहे थे हम सब लोग, हाथ हैं मणिपुर की घटना के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश के हर लोगों ने संवेदना व्यक्त की है सर, कोई अप्रूव नहीं कर रहा है उसको, करने वाला भी नहीं है, मगर ये मणिपुर को लेकर के
राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर के घाव को भरने का मन नहीं है, घाव को उधेड़ने का काम करने रहा है। मणिपुर में जो आग लग रहा है, आग लगा है, उसके धुआं को, उसके आग से राजनीतिक रूप से उसको सेकना चाहते हैं। महोदय, महोदय, मैं कहना चाहता था, बंगाल में टीएमसी क्या कर रही है, बीएस से क्या कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी बेशरम लोग इनके इनके कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। ये लेफ्ट वाले सीपीआई सीपीएम के लोग इनके कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। अभी हाल में जो चुनाव आया है उसमें 58 लोगों की जान लग चली गई है, शहादत लेने का काम किया है। ये इंडिया वाले, ये जो घमंडिया वाले लोग हैं, उस पर कोई एक शब्द नहीं कहा। राहुल जी बोल रहे थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, नाटक कर रहे थे। अरे मणिपुर में आप चिंता व्यक्त कर रहे हो, मगर बंगाल की चिंता नहीं है आपको, एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको राजस्थान की चिंता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, आप एक शब्द नहीं बोलोगे। आपको बिहार की चिंता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलोगे। बिहार में क्या हो रहा है महोदय, बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। माँ और बहन की इज्जत और आबरू जा रही है। बिहार में भय का वातावरण पैदा हुआ है। बिहार में रोज हत्या, लूट, अपहरण की घटना घट रही है। हमारे कटिहार में बिहार की बेटी को नंगा अवस्था में घुमाने का काम किया। इस पर बिहार को चिंता नहीं है। लैन बाबू चले गए, दलित समाज की बेटी थी, उसके लिए चिंता नहीं है, उसके लिए चिंता नहीं है। महोदय, चिंता इनको नहीं, लैन बाबू बहुत व्यथित नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, मगर बिहार की चिंता नहीं है। बिहार में जो क्या हो रहा है महोदय, बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी 10 लाख देने की बात कही गई थी महोदय। एक नेता ने कहा, इनके नेता ने जिसके लाइन में हैं, कि हम आते के साथ अपने कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे सरकारी। वो कहां गया नौकरी, वो कहां गया गोपाल जी, सवाल कहां गया, जुमला की बात कर रहे हैं, ये हमारे नेता के बारे में जुमला की बात बोल रहे हैं, वो नौकरी कहां गया, पेनवा भुला गई, पेनवा भुला गया है, जिससे आपने कहा था कि नौकरी देंगे एक झटके में, पेन भुला गया। यही नहीं महोदय, दरभंगा में दलित 100 जब जाता है, दलित का 100, उस पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। महोदय, मुझे कहने में शर्म आ रही है कि दलित का 100 जा रहा है तो कुछ लोगों ने उस पर पेशाब करने का भी काम किया है। शर्म नहीं आएगी इन लोगों, शर्म नहीं आएगी इन लोगों, ये राजीव रंजन को शर्म नहीं आएगी, शर्मसार नहीं होंगे।